You know, guys, it's a picture-perfect situation today. We won the first match against South Africa. Today is the second match against Australia. And today is Sunday. So, today is Sunday, but daru nahi. Match dekhne ka day hai. Aur aaj ka pura show hai cricket ke naam. Ek se badhkar ek chun chun ke namune phuddu nikale. Enjoy karo ji. Aur aaj India jeet jaye bas. Okay, this video is important because the World Cup cricket is going on and we have so many legends. They are playing the last World Cup. Dhoni also. One more in our favorite list, Chris Gayle. But Chris bhai ka jo jeevan hai utna saadgi bhara nahi raha. तो अभूतपूर्व कांड उन्होंने किए थे, आपकी यादें ताजा कर दूं। पहले तो ये डांस, ओ हो, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती। आपका मूड है तो मेरा भी मूड है आज। And after that, he was flirting with the reporter. बस यही वीडियो। Look in your eyes. कहीं बैठ के हमारा गांडिया देख रहा था और उसने सोचा मैं भी क्रिस गेल और हक दिया। चूतिया तो तू है। But in this entire universe, there is only one universal boss, and that is Chris Gayle, and we will miss him after this World Cup. ये फकीरी है। Okay, guys, if you're following cricket from 90s, you know this thing. There is something called nude runners. तुम्हारी माँ कैसे तो? देखो जी, माँ चूतिया पे की चीज थी, पर लोगों को पता नहीं क्या मजा आता था करने में। मतलब मैच चल रहा है, पैक्ड क्राउड है और कोई नंगा ग्राउंड में दौड़ जाता था। मतलब पॉलिटिक्स चल रही है। चुप आ चूतिया। तू चूतिया। Not one, not two, there are so many incidences. Number one. And this video is old, but look at the beating here. And Greg Chappell. देखो जी, ये पुराने टाइम पे बहुत दौड़ते थे नंगे होके, पर ऐसे मारना नहीं चाहिए था। ये बंदा जो मार रहा जानते हो कौन है? ये वो ग्रैग चप्पल है। ये इसी भोसड़े वाले की वजह से हमारी टीम टूटी थी, याद है वो गांगुली एपिसोड, एवरीथिंग। इफ यू डोंट गेट फेलियर्स इन लाइफ, यू विल नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेस। नंबर थ्री। एंड नॉट ओनली गाइज, देयर इज अ स्कोप फॉर गर्ल्स टू। अनाथ हो जाएगा भोसड़े वाला, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? वो सब छोड़ो जी, सरफराज भाई की आंखें देखो, कुछ कह रही है। Boys played well. And because the World Cup is going on, so we got best of the best for you. The best voice in cricket. Just listen to him. थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। I mean, this is the best run out. Oh, there's a run out. Surely, what is happening here? Best fielding. अरे माँ चुदी पर ही है। And so much of the best. और ये समझ लो जी, जिस टीम ने क्रिकेट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम किया है वो पाकिस्तान की टीम। आई मीन क्या मतलब, ग्रुप कैचेस लिए हैं, देखो एक, मतलब बॉल से बॉल पकड़ते हैं। चल भाई चूतिया। ये देखो सही, और जब बॉल से बॉल ना पकड़ पाए तो अपनी बॉल पकड़ लेते हैं। You know, guys, you have to accept the fact when there is a cricket match going on, each and every player wants to give their 100%, and sometimes this happened. मतलब बात को समझो जी, चलती हुई रोड पे चाटा खाना और क्रिकेट फील्ड में पैंट का उतर जाना, एक ही है जी। चल बात चूतिया। तू चूतिया। नहीं, बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है। Number two. Just really dive, it's costly. Number three. Okay, guys, cricket is the game we play with one ball. पर इस एक बॉल से खेलते हुए अपनी दोनों बॉलें बचा के रखनी चाहिए जी। चल बात चूतिया। मैं समझाता हूँ, मतलब कई बार हो जाता है, मतलब यहाँ लग जाती है। और ये तोबा तोबा का मुकाम है इस वक्त। Not only career, it may destroy the entire family. Come on. And there are so many examples. And this is the nasty one. There is a very infamous thing about cricket is sledging. अरे मतलब चलते हुए मैच में एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते हैं और परफॉर्मेंस डाउन करने की कोशिश करते हैं, बहुत कॉमन बात है। यहाँ तो कॉलर भी पकड़ ली थी शेन वॉर्न ने, बहुत सारी वाले। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कंट्रोल द टेम्पर आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड। आई मीन जस्ट लुक एट द ग्रेट प्लेयर बेन स्ट्रोक हियर। तुम्हारी माँ का चाहतो। बेन स्ट्रोक बोल रहा था, पैंचो दे देना। एक पंच में गिरा दिया लॉन्डे ने, इसे कहते हैं प्लेयर, बताओ। चल बात चूतिया। चूतिया। But this shit, beating a fan outside of the ground is completely insane.
I mean, look at Michelle, what he's saying. एक मिनट जी, पर लोग भी कहां शरीफ होते हैं, बेचारे प्लेयर्स जा रहे हैं उनको मां बहन की गालियां दे रहे हैं, तो करेंगे नहीं वो है जी। अब आप मेरी तरह थोड़ी होते थप्पड़ खा लेते हैं। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप सिलेक्शन वी फेल्ट सो बैड फॉर अंबती रायडू, बट लुक एट हिम हियर। अरे अंबती रायडू नहीं फाड़ हुए, देखो 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 कैसी झुमा झटकी हो रही है, मुंह तोड़ देगा भाई। अरे कान में छतरी डाल के नहीं खोलाना, मैं घसीटते हुए ड्रेसिंग रूम ले गए जहाँ उसकी खूब पिटाई की। अरे मतलब यहाँ तो अब फैन को पकड़ के घसीटते हुए मैदान से ले जाके रूम में जाके पिटाई की है। Okay, now let's talk about fans. Sometimes they go out of control or boundary. और ये कई बार तो इतने क्रेजी हो जाते हैं कि किसके पीछे कौन खड़ा है और क्या लगा रहा है समझ ही नहीं आता। सॉरी, बट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट दीज टू वीडियोज विल नेवर डाई। आई मीन व्हाट दिस लेडी इज एक्सप्लेनिंग हियर। और यहाँ पे तो लोग भूल ही गए थे कि क्रिकेट जैसा भी कोई खेल है, देखो इस मूवमेंट पे। एज वी ऑलवेज हर्ड दैट क्रिकेट इज नॉट अ गेम फॉर वीक हार्टेड पीपल। Yes, it's true. Don't fall asleep. Don't worry, mate. You got away with it. No one's seen it. Number two. वाह क्या सीन है। पर हर बार इतने क्यूट फैंस नहीं होते जी, कुछ तो भोसड़ी वाले बदतमीजी पे उतर आते हैं। मतलब ये देख लो। कोहली नहीं होता तो चेस। भाई देखो कोई इंडियन फैंस तो ये करेगा नहीं। बंदा पड़ोस से है तो कुछ यादें ताजा कर लेते हैं। 20 रुपए के पकौड़े है, अगर भाई 20 रुपए के पकौड़े लाना। As I told you, this is the last World Cup of this legend. We know Dhoni because of his cool attitude, but sometimes he also lost his cool. You know, this thing had a story. This Bangladeshi bowler standing at the middle after every delivery. उससे क्या होता है ना, जब बल्लेबाज रन लेने के लिए भागता है ना, तो उसको थोड़ी तकलीफ होती है, इधर उधर होता है, पर ये भाई बीच में ही हमेशा खड़ा हो जाता था। तो धोनी तो धोनी है। He was standing at the middle and Dhoni ran and he did this. After that, check out his smile. ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं। और ये जो है अभी तक की सबसे गंदी फाइट देखी मैंने क्रिकेट के मैच में, मतलब बल्ले का सही उपयोग। You know the World Cup is going on in England and during the match you can see so many birds. They are sitting on the ground. Did you see that? तो यहाँ पता है जब मैं छोटा सा बच्चा था ना जी, इतना सा, तब से सोचता था कि ये ग्राउंड में ये बर्ड ऐसे घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, कभी बॉल लग गई तो क्या होगा। हाँ, पर ऐसा ख्याल में रहा कि लग सकती है जी, और आज तक मैंने कभी नहीं देखा, शायद आपने भी देखा होगा, लेकिन आज देख लो जी। And yes, there is an old saying in cricket, catches win matches. I mean, what a catch. मतलब जी जबरदस्त फाड़ू तोड़ू, मतलब ये तो एकदम तमाचे जैसा करा रहा है जी। और ये दिल्ली की सर्दी जितना ठंडा, और ये गर्मी जितना गर्म। You know, this is a normal tendency. You always blame those people, those fielders who can't pick the ball. But what about the bat? अरे बॉल छोड़ना तो छोटी बात है, बैट छोड़ के दिखाओ, ये देखो। You know, while playing a shot, shit like this is actually hilarious. मोदी है, तो मुमकिन है। मतलब ये देखो बैट ही छूट गया, आज से मैच क्या पकड़ा होगा। चल बे चूतिया चूतिया। Okay, so yeah, this was a special for the World Cup. Today is India versus Australia and I want that India should win this match. You know, this is a World Cup time, guys, and this is one of the best memory in the World Cup. Let's wish all the best to Indian cricket team and let's pray that we will see this moment in 2019 also. Absolutely magnificent.
finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. And the most important thing for Delhi people, how can we miss that? मतलब इलेक्शन आने वाले ना जी, तो कुछ ना कुछ तो आप समझ रहे हो मैं. तो फ्री फॉर लेडीज. बसों और मेट्रो में महिलाओं के लिए सफर फ्री कर दिया गया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी अभी. But you know what? A janta is really smart. They know what the fuck is going on there. Why? I mean, why freebies just before the elections? सब्सिडी दी जा रही है. हम इसमें प्रावधान इस तरह से रखेंगे कि किसी के भी ऊपर सब्सिडी थोपी नहीं जाएगी. करना पड़ता है जी. अभी राहुल बाबा 72,000 का न्याय लाए थे. मैं भी कुछ फ्री दूंगा ना जी. अब मैं आया तो था देश की सेवा करने, पर अब गंदा वाला पॉलिटिशियन बन गया हूँ. तो ये देखो इलेक्शन के पहले मैंने दाव चलाया. हाँ, इस बार मुश्किल लग रहा है तेरा. चुप है. बट इफ यू गो एंड सी द सोशल मीडिया, पीपल आर यूजिंग दीस टाइप ऑफ डायलॉग्स. देख बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है. अरे मतलब एक बात बताओ, फ्री की चीजें क्यों बांटना इलेक्शन के पहले? अच्छा काम किया तो जनता देगी ना वोट. When this free ticket news came, pro लड़का सुनते करवा दी महिलाओं को बस और मेट्रो की सवारी. देखो जी, आप यहाँ पे केजरीवाल का भेजा समझो. मैं महिलाओं को फ्री में टिकट दूंगा, वो जाके कहाँ बैठेगी? बस में बैठेगी. बस में बैठ कर वो क्या करेगी? बात करेगी. किसके बारे में बात करेगी? तेरे बारे में. क्या बात करेगी? मुझे गालियां देगी. अच्छी बात करेगी, क्योंकि मैं उनको फ्री में टिकट दे रहा हूँ और ऐसी मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. समझे? ये भेजा है, ये साइड करने का तरीका है. तुम नहीं समझोगे. पीएम तो मैं ही बनूंगा. चल बात चुती. ओके. नो, लेट्स नॉट बी अनफेयर विद हिम. गिव हिम अ इक्वल चांस. ही डिड सम गुड वर्क. सो या, मतलब बकचोदी देख रहे हो, सारे मुझको ट्रोल कर रहे हैं. गंदी वाली ट्रोलिंग चल रही है मेरी. लेकिन एक बात बताओ, क्या मैंने अक्षय कुमार को बैठा के आम चुसवाए? और क्या मैंने अपना केजरू टीवी चलाया? तो इतना तो नहीं कर रहा.